जी बिल्कुल, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सदारत है मुशावरती इजलास जो है वो शुरू हो चुका है, जिसमें चारों मेंबरान, इसके अलावा सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी और जो इलेक्शन कमीशन का जो लॉ विंग है वो इस इजलास में जो है वो शरीक है, जिसमें जो जराए के मुताबिक इस इजलास में सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला है उस पर उसका जो ऑपरेशनल पार्ट है उससे मुतलिक जो है वो ब्रीफिंग दी जाएगी, जबकि जो ये इजलास है इसमें इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके जायजे के बाद कुछ अहम फैसले भी जो है वो मुतवक्के हैं, जिसका बाकायदा तौर पर ऐलान भी किया जाएगा। ताम इस वक्त ये इजलास जो है वो ताखीर से शुरू हुआ है, ताम जो इजलास है वो बाकायदा तौर पर शुरू हो चुका है और ये मशावरती इजलास जो है वो जो इसमें मुतद्दिद जो है फैसले लिए जाएंगे, जिसमें जो फंड्स की फरहमी से मुतल्लिक है और इसके अलावा जो सिक्योरिटी फोर्सेज दरकार है उससे मुतल्लिक जो है वो इलेक्शन कमीशन जो प्लान मुरतब करने के हवाले से आया पंजाब हुकूमत से, जो निगरान हुकूमत है उनसे कोई राबता करेगा, या जो आई जी है और जो चीफ सेक्रेटरी है जिनको जो सुप्रीम कोर्ट ने पाबंद बनाया कि वो 17 अप्रैल से तक तमाम इंतजाम से मुतलिक एक रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा कराएं। इलेक्शन कमीशन ने इस जमन में भी फैसला लेना है कि जो इंतखाबी शेड्यूल सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो जारी किया गया है उस पर किस तरह का अमल दरामद कराना है, क्योंकि इजलास में अहम फैसले किए जाएंगे। वकार, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया।